English Grade Five Unit Number One Patience Page Number Ten Learning to Write. Read the given words with their syllabic division. यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी सिलेबिक division बताई गई है और उसमें कितने नंबर ऑफ syllables हैं वो बताया गया है अब जो सिलेबल है उसका बेसिकली रूल ये होता है कि जब भी कोई वर्ड बोलते हुए जितनी बार आपकी आवाज़ या आपका सांस ब्रेक करता है आपको रुक के दोबारा से आवाज़ प्रोड्यूस करनी होती है उतने हमारे उस वर्ड में सिलेबल्स होते हैं इसका एक और रूल भी हो सकता है कि अगर आप अपने चिन्ह के नीचे हाथ रखें तो जितनी बार आपकी चिन्ह जो है वो आपके हाथ के साथ उस वर्ड को बोलते हुए टच करती है तो हम इससे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस वर्ड में इतने सिलेबल्स हैं अब एक जो रूल है वो ये है कि हर सिलेबल जो है जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट में हमारी हर सिलेबिक डिवीजन के अंदर कोई ना कोई कम अज़ कम एक वाउल होना कंपलसरी है उसके बगैर हमारी सिलेबिक डिवीजन जो है वो नहीं हो सकती सो हेर आर सम वर्ड्स हम देखते हैं कि उनकी सिलेबिक डिवीजन क्या है फर्स्ट वर्ड इज़ मॉडल मॉड एल मॉड एल में टू हमारे सिलेबल्स हैं फर्स्ट इज मॉट एंड अदर इज एल टॉलरेंस हम इसको बोल के देखते हैं टॉल एर एंडस हमने इसको बोलते हुए आवाज हमारी थ्री टाइम्स ब्रेक हुई है सो so यहां पे हमारे नंबर ऑफ सिलेबल्स थ्री हैं पर्सनैलिटी पर सन एल ई टी हमारे यहाँ पे फाइव सिलेबल्स हैं फोर गिवनेस फॉर गिवनेस में थ्री टाइम्स हमने ब्रेक लिया है बोलते वक्त सो वी हैव थ्री स्लेबल्स हेयर ब्यू टी फुल ओके सो यहाँ पर थ्री टाइम्स हमने लिया ब्रेक थ्री टाइम्स हमारी आवाज़ जो है उसमें ब्रेक आया हमने सांस लिया सो so यहाँ पर हमारे पास थ्री स्लेबल्स हैं सो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड था जो कि मॉडल था इसमें एम ओ डी में ओ जो था वो हमारा एक वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा था और जो सेकेंड उसका पार्ट था उसमें ई वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा था नेक्स्ट टॉलरेंस में ओ फर्स्ट पार्ट में ओ सेकेंड में हमारा ई e, और थर्ड पार्ट में ए जो है वो एक वाउल था वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा था तो यहाँ पे हमने देखा कि हर जो सलेबिक डिवीजन है वहाँ पे उसका जो हर पार्ट है उसमें एक वाउल होना कंपलसरी है मिनिमम एक वाउल इसका पार्ट नंबर टू है डिवाइड द गिवन वर्ड्स इन टू देअर सिलेबल एंड ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन योर नोटबुक हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं हमने उनकी सिलेबिक डिवीजन करनी है और नंबर ऑफ़ सिलेबल्स जो है वो बताने हैं सो so, इनकी सिलेबिक डिवीजन जो है वो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ फर्स्ट वर्ड इज़ वेजिटेबल इसमें हमने देखा कि इसको हम जब इसकी डिवीजन करेंगे तो हमने इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड किया वेज ई e, टे बल लेकिन इसमें सिलेबल जो है वो टोटल थ्री हैं क्योंकि हम इसको प्रनाउंस करते हुए बोलते हैं वेजिटेबल तो ई जो है उसकी साउंड नहीं आती है दैट्स वाई वी हैव थ्री सिलेबल्स इन दिस वर्ड आर नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोजेक्ट इसमें हमारे पास टू सिलेबिक डिविजन्स हैं प्रोजेक्ट सो नंबर ऑफ सिलेबल्स आर टू कम्प्लीट कम प्लीट सो वी हैव टू सिलेबल्स हेयर कम प्यू टर वी हैव थ्री सिलेबल्स हेयर एंड द लास्ट वर्ट इज माउंटेन माउं टेन तो यहाँ पे हमारे पास दो सिलेबल्स हैं अब एज मैं आपको बताया था कि जो भी सिलेबिक डिवीजन है उसमें एक मिनिमम एक वाउल होना ज़रूरी है सो so, वेजिटेबल में हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ई e था यहाँ पे हमारे पास ए था और यहाँ भी हमारे पास ई e था जो कि वाउल की साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे सो so, हमारे पास हमारे हर पार्ट में एक एक वाउल जो था वो मौजूद था सो so, इस वजह से हमने इनको सिलेबिक डिवीजन में डिवाइड कर दिया